आपको सिंपल करना क्या है, आप गूगल पर चले जाना है और सर्च करना है ब्लॉगर, और ब्लॉगर पर जाने के बाद blogger.com पर जाने के बाद आपको अपनी जीमेल से साइन इन करना है। हम साइन इन पर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास जीमेल की आईडी नहीं बनी हुई है तो आप फ्री में बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। अगर आपके पास बनी हुई है तो फिर साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, वो आपको देना है। मेरे पास ऑलरेडी जो है साइन इन है, इस पर क्लिक करता हूँ और अपना पासवर्ड दे देता हूँ। सिंपली पासवर्ड देने के बाद आपके सामने जो है एक अलग सा डैशबोर्ड ओपन होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ चेंज डैशबोर्ड जो है ओपन हो रहा है। आपके पास जो है यहाँ पर लिखा आएगा कि क्रिएट ब्लॉग, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको टाइटल पर अपने ब्लॉग का नाम देना है। एग्जाम्पल में टेस्टी कर देता हूँ। और जो एड्रेस है ये आपकी, वो आपको देनी है जिस एड्रेस है आपका जो ब्लॉग खुलेगा, मतलब ये आपके ब्लॉग की URL है। ओके, मैं टेस्ट देखता हूँ ये अवेलेबल है ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो है करेक्ट जैसे टिक का ऑप्शन आना चाहिए, जैसे मैं टेस्ट 2020, आपको वैसा कोई जो नेम है वो सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये तकरीबन जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, ये भी रजिस्टर्ड है। तो मैं दूसरा कोई कर देता हूँ। ये अवेलेबल है, चलो। उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी जो है अपनी टेम्पलेट जो है सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट ब्लॉग पर सिंपल क्लिक कर देना है। ये जो हमारा ब्लॉग है वो क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप टेस्ट के नाम से। और हम व्यू ब्लॉग करेंगे तो जो URL जो हमने लिखी थी वो आ रही है, जो वहाँ पर लिखी थी। आपको वैसी URL लिखनी है जिस वजह से, मतलब कि आपके ब्लॉग का नेम है, उस हिसाब से आपको अपनी जो है ब्लॉग की URL लिखनी। बाकी जो है टैब है, मैं इनका आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर है पोस्ट। पोस्ट में यहाँ पर अपने ब्लॉग पर पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है अपडेट का ऑप्शन है। इसमें आपको पता चलेगा कि आपके जो ब्लॉग पर कितने डेली के व्यूअर्स आ रहे हैं, कितने विजिटर आ रहे हैं। और यहाँ पर है पोस्ट, कौन सी पोस्ट पर ज़्यादा विजिटर आ रहे हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, और ट्रैफिक सोर्स कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, ऑडियंस। नीचे है कमेंट का ऑप्शन। यहाँ पर जो भी कमेंट करेगा बंदा, उसकी जो है आपके पास तो कमेंट आ जाएगा। यहाँ से आप उसे इजीली रिप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। और नीचे आ जाता है अर्निंग का ऑप्शन। अर्निंग में अगर आपके ब्लॉग पर 20-30 पोस्ट हैं तो आपके पास यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आता है, तो आप एडसेंस के लिए साइन अप कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं एडसेंस के ज़रिए। और नीचे आ जाता है पेजेस का ऑप्शन। यहाँ पर आप अपने मतलब ब्लॉग के जो है पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अबाउट ऑफ कॉन्टेक्टर्स से ऐसे जो पेजेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आता है लेआउट का ऑप्शन। यहाँ से आप अपने ब्लॉग की जो कस्टमाइजेशन है वो कर सकते हैं, विजिट्स वगैरह जो हैं उनकी आप सेटिंग कर सकते हैं। उससे नीचे आ जाता है थीम का ऑप्शन। यहाँ से आप अपना टेम्पलेट जो ब्लॉग का चेंज कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे आ जाता है सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ से आप अपने ब्लॉग की जो है सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।